साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो जजेस बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें मौका दिया और अलग अलग पेजेंट्स वालों ने सिलेक्ट किया, थैंक्स टू ऑल। अच्छा ये बताएं कि आपने काफ़ी तैयारी भी की होगी इस टाइटल के लिए, तो क्या मुश्किलात इसमें सामने आई? आप समझती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज फेस की, या आप समझते हैं बस ऐसे मिल गया टाइटल आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली को क्या किसी को भी नहीं पता था, मेरे जैसी यू नो एंटरटेनमेंट और फैशन इंडस्ट्री में रहने वाली लड़की को नहीं पता था कि पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। ये तो अभी कुछ अर्सा पहले हमने अरीज को देखा और फिर आगे पीछे लोगों को सुना, देन मुझे पता चला। तो मेरा जो सबसे पहले टारगेट है वो ये है कि मैं पाकिस्तान वाले लोगों को बताऊं कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि बहुत लाइट ले रहे हैं इस चीज़ को। आप जब क्राउन पहनेंगे या सैश पहनेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि ये लोकल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरा सबसे पहले यही गोल है कि मैं पाकिस्तानियों को सेट करूं। अच्छा, ये मुश्किलात सबसे ज़्यादा यही आई मुझे। ये मुझे तो समझ आती है, ये आपको भी ये इस बात को समझ आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, वो सारे इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं और बिला वजह क्रिटिसाइज़ करते हैं कि खवातीन को यानी कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, हमारा मुआशरा फलाना, बड़ी बहुत सारी चीज़ें। हाँ देखिए, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए बहुत से लोग हैं जो कि खातून अगर घर पे बैठ के मतलब हाउस वाइफ है तो उसको भी ट्रोल किया जाता है, अगर वो जॉब करने वाली उसको भी ट्रोल किया जाता है, बच्चे वाली उसको भी ट्रोल किया जाता है। तो ये क्रिटिसिज्म है इस इंडस्ट्री में, नहीं हर फील्ड में है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में, मैंने पहले जॉब भी किया था, मेरे साथ वहाँ पर भी बहुत से हुए थे। टू बी ऑनेस्ट हर फील्ड का यही है, इसीलिए मैं इस सैश को पहन के, क्राउन पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि हमारा पाकिस्तान का इमेज दुरुस्त हो। लोगों को मैं नहीं ठीक कर सकती, लोगों को मेरे में कोई इम्यून पावर नहीं है कि मैं लोगों को बैठ के ठीक करूँ या लोग मेरे कहने पे ठीक हो जाएं। ये हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ है, मेरी जहाँ तक स्ट्रेंथ है कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम ठीक करूँ, पाकिस्तान के लोगों को ठीक करने का मुझे आई डोंट थिंक सो के यू नो लाइक मेरे पास वो नहीं होगा, इतनी एम्पावरमेंट नहीं होगी। चलो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।